मुझे कोई सुराग ढूंढना होगा, यहाँ पर कोई तो क्लू होगा ही। डाला हुआ है, अब मैं इसका फोन कैसे देख पाऊंगी? दस मिनट और सारा काम खत्म। मुझे बसाना चाहती थी ना वो, जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, क्यों भूल गई मैं क्या कर सकता हूं, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा नहीं? तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना, फिर दूसरी बार पहुंचाने में हिचकिचाऊंगा नहीं।
समझ गई। समझते क्या हो तुम अपने आप को? लुक, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो यही सेम चीज सबके सामने बोल के दिखाओ। दिखाओ कॉट्स के जब तक डिवोर्स नहीं होता ना मैं यही रहूंगी। और अगर तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और फिर तुम सबके सामने जवाब देना। अंडरस्टैंड? सॉरी आरू, मैं नहीं बना सकती। मन तो करता है गला दबा दूं इन सबका। ओहो, इतनी खराब चाय बनाई है, पूरी सुबह खराब हो गई, सर की पूरा दिन ही खराब हो गया। इसमें क्या पपीते की बीज डाली है? नहीं दादी माँ, क्या हुआ मिली तुम्हें? इतनी गंदी चाय क्यों बनाई है तुमने? तुम्हें तो पता है ना मुझे अदरक पसंद है अपनी चाय में। पर और नहीं तो क्या, आखिर विहू और कायरा का डिवोर्स के बाद तुम इस घर का बहू होने वाली हो ना, तो तुम्हें सब पता होनी चाहिए ना, समझे कि नहीं? क्या चल रहा है? आप लोग मिली को क्यों दोष दे रहे? ये सब मिली ने नहीं कायरा ने किया है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। अगर तुम्हें लगता है कि इन पुलिस की धमकियों से तुम मुझे डरा दोगी तो तुम गलत समझती हो कायरा। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। आज फैसला होकर रहेगा, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर जाओगे। लेकिन विहान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं दादी माँ, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलो ना सामान बांधो और घर से बाहर निकलो। चलो नहीं विहान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कायरा, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी, ना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। देखो विहान, मैं भी तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कायरा, जस्ट गो फ्रॉम यहाँ। विहान, मैं आखिरी बार कह रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। से नहीं मारोगे, चलो निकलो यहाँ से। आज तुमने सारी आंखें बाहर कर दी, चलो। तुम कहीं जा रहे हो कायरा? अरे मैं इतने आ गया और तुम कहीं जा रहे हो? है जी, ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई ना, तुम लगा के ऐसा है जी। अरे बंता सिंह जी, आप? हेलो जी, तुम फिर धोखा खा गए। बंता मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई।
माई सेल्फ संता सिंह है जी। सॉरी, आप दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि मैं पहचान ही नहीं पाई। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? आपकी तारीफ? कायरा मेरी क्लाइंट है, हैं? आई एम एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और हाँ, मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आई ताकि मैं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकूं। तो आप वकील हैं, इतने बड़े सूटकेस में कागजात लेकर आए? ओ बैंड जी, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ब्यूटी पुट, ब्यूटी बट, इसमें मेरे कपड़े हैं जी, है जी। मैं यही रहने वास्ते आया हूँ, कायरा के अधिकारों का रक्षा करने वास्ते। हाँ, और मुझे सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि कोई भी मुझे किसी भी वक्त घर से बाहर निकाल सकता है, जैसे कि अभी मिस्टर विहान बंसल ने मुझे धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की। वे, दोबारा ऐसा किया ना तो सिद्ध 498 लगा के अरेस्ट करवा दूंगा। नॉन अवेलेबल वारंट। कैसी लगी मेरी एक्ट? सुपर्ब। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तुम फिक्र मत करो, तुमने जो अपने परिवार को बचाने का बीड़ा उठाया ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम चाहती तो सब कुछ छोड़कर आराम से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थी, पर तुम रुक गई। इससे पता चलता है कि तुम कितनी महान हो। अब तुम देखती जाओ इस नकली विहान का पर्दा मैं कैसे फाश करती हूँ। हाँ, लेकिन हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है असली विहान को ढूंढना। हम उसे ढूंढ लेंगे। किसी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? मैं देखती हूँ। व्यू क्या मामला ही है? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। इन सबको एक साथ मार के बात को खत्म कर दो। हमने सब ट्राई करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब तक कायरा यहाँ पर है इन सबको मारना इतना आसान नहीं। सबसे पहले इस कायरा से छुटकारा पाना होगा, और हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो उसने अपना वकील भी बुला लिया है। ये सरदार तुमसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करेगा व्यान,
लेकिन एक बात याद रखो भैया, उसे तुम्हारी असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं। तुम यह सब कुछ हैंडल करो, मैं तब तक कायरा का इंतजाम करके आती हूं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जो हमारे साथ रह रहा है, ये हमारे व्यू नहीं है? फिर हमारे व्यू कहाँ है? अरे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, बस तुम्हें वैसा ही बर्ताव करते रहना है जैसे तुम आज तक करती रही हो विहान और मिली के साथ। बस अब आप सब लोग जाइए यहाँ से, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा कि हम सब लोग मिले हुए हैं। हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। ओए, ये क्या कर रहे हैं? मेरे कमरे में क्यों घुस रहे हो? ओए, मेरा तो इस घर में दम लगा के हैशा हो गया है जी। इस घर में तो सिर्फ औरतें ही औरतें हैं जी। किसी बंदे को अगर ड्रिंक शेयर करनी हो तो वो किसके साथ करे है जी? एक तू ही है। अरे निकलो यहाँ से, मैं नहीं पीता पीता। अरे निकलो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? तू पीता नहीं है तो जीता कैसे है बे? है जी, बचपना छोड़ और जिन्ना सीख ले, मतलब पीना सीख ले। अच्छा यार, अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं पीता बोला ना, तुम्हें क्यों फोर्स कर रहे हो? क्या बच्चों जैसी हरकतें करो व्यान जी, अब ये जीना शुरू कर दो, आई मीन पीना शुरू कर दो है जी। बना ले ड्रिंक सरदार जी, बना ले। आज तेरी खैर नहीं, पिला पिला कर मारूंगा तुझे मैं। एक बार ये ड्रिंक तू पी तो ले, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ बहु रूपी। इस ड्रिंक में मैंने ऐसी दवाई मिलाई है जिसे पीते ही तू तोते की तरह सच बोलने लगेगा। ये लो जी। है जी, हम तो पीते नहीं, हम तो जैद के लिए पीते हैं जी, दम लगा के ऐशा। मुझे पूरा यकीन है कि मिली को पता है कि हमारा असली विहान कहाँ है। हो सकता है मिली वहीं जा रही हो। मुझे उसका पीछा करना चाहिए ताकि विहान का कोई सुराग मिल सके। अरे यार मत फोर्स करो ना, नहीं पीता हूँ मैं। सुन यार, आप इतना क्यों सोच रहा है? है जी, दम लगा के ऐसा करने सोचते हैं क्या? लो पी लो। अरे मैं नहीं पीता हूँ, आप क्यों जबरदस्ती पिला रहे हैं मुझे? अरे 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 पी लो यार। वेरी गुड जी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मिस्टर विहान, अब थोड़ा हम डिवोर्स के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर ले हैं जी। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन? ओ जी, टर्म्स एंड कंडीशन ना, लेन देन की बात आप तो जानते ही हो ना। शादी से पहले लेने देने की बात होती, शादी के बाद लेने देने की बात होती है। तुसी पीते रहो, तुम टेंशन ना लो। तो मिस्टर विहान, तो भोगो। मतलब है जी, मेरा मतलब है इतनी खूबसूरत सोनी सी बीवी है तारी, है जी, ऊपर से इतनी पैसे वाली है, ऐसी बीवी को तुम डिवोर्स ले रहे हो, उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, किस तरह के आदमी हो तुम पाजी? एक बात बताओ सरदार जी,
मुझे पिलाए जा रहे हो, खुद नहीं पी रहे हो, बात क्या है? पी रहे कोई बात नहीं जी। सच बता, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? अरे असली कायरा के वकील है। तुझे शराब पिला रहा है, खुद क्यों नहीं पी रहा है? मैं क्या मिला था बोल। क्या मिलाया था शराब में? हाँ, शराब में क्या मिलाया था बोल। कहाँ जा रहा है? जाते जाते सच्चाई तो बताते जाओ। ये तो